सर्वप्रथम सभी मीडिया के बंधुओं का विकासखंड परिवार की तरफ से स्वागत है। आप लोग आए इसके लिए मैं पूरे जनपद की तरफ से भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। सरकार एक महत्वपूर्ण लक्ष्य के साथ काम कर रही है, सबको आवास देने का उसका लक्ष्य है। इस क्रम में आवास प्लस के सर्वे का एक नया चरण शुरू हुआ है। इसमें सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। ये इन बदलावों का जनता तक किस तरह प्रचार प्रसार हो, इसको हम मुनादी के माध्यम से बराबर प्रसारित कर रहे हैं और इसी में मैं आपका भी सहयोग प्राप्त करना चाहता हूँ। पात्रता के मानक में दो महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। एक तो पहले दो पहिया वाहन धारकों को अपात्र माना जाता था, यानी अब मोटरसाइकिल आदि धारकों को अपात्र नहीं माना जाएगा। दूसरे, पहले अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता था मासिक तो उसे अपात्र माना जाता था, अब इस लिमिट को बढ़ा के 15,000 कर दिया गया है। साथ ही यह भी अब स्पष्ट है कि पूर्ण रूप से कच्चे छत और कच्ची दीवार में रहने वाले व्यक्ति को ही आवास दिया जाएगा। परिवार की पहचान के रूप में हम राशन कार्ड एवं परिवार रजिस्टर जैसे विधिक डॉक्यूमेंट को ही आधार मानेंगे।